आमतौर पर हम कोई भी इंस्टॉल प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोग्राम जो हम कोशिश भी करते हैं कि उनको अनइंस्टॉल कर दें कंट्रोल पैनल से, लेकिन वो कंट्रोल पैनल से कई वजूहात की वजह से अनइंस्टॉल नहीं होते। वो वायरसेस भी हो सकते हैं, या ये है कि वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, हम यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाते हैं, कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम में फीचर्स में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडोब फोटोशॉप, इसको हम अगर इंस्टॉल करने की कोशिश कर ले, अनइंस्टॉल करने की, अनइंस्टॉल को क्लिक कर ले, तो ये स्क्रीन आपके सामने आ गया। डू यू वॉन्ट टू कम्प्लीटली रिमूव सेलेक्टेड एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ दियर कंपोनेंट्स? हम इसको जब ओके करते हैं तो हम यह दूसरी स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं। रिमूव ऑल यूजर्स प्रेफरेंसेस फ्रॉम दिस मशीन, इसको हम नेक्स्ट क्लिक करते हैं। इसके बाद फिनिश को क्लिक कर दें तो इसको अनइंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। ये चीज़ हमें बहुत तंग करता है। काफ़ी सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो कि अनइंस्टॉल होने के दौरान हमें मैसेजेस देते हैं, कुछ अनइंस्टॉल प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए भी अनइंस्टॉल नहीं होते। तो इसका हल बहुत आसान है। हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। आईओ बिट अनइंस्टॉलर डाउनलोड फॉर विंडोज 7, आप विंडोज 10 के लिए भी कर सकते हैं। इसको आप जब क्लिक करेंगे, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो ये बिल्कुल फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है और ये 21.2 MB का है। इसको हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो है ना डाउनलोड हो जाता है। इसको हम डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हुआ है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड करता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल, ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड जब कंप्लीट हो जाए, मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये सिंपल दो तीन स्टेप है, आपने इसको फॉलो करना है। इसको ऑलरेडी चूँकि इंस्टॉल है तो इसीलिए मैं इसको, चलो फिर भी आपको समझाने के लिए इसको यस करता हूँ। ये स्क्रीन आ गई। अभी यहाँ पे आपने इंस्टॉल को क्लिक करना है, इंस्टॉल हो गया, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। यहाँ पे हमारे पास ये एडवेयर वेब कंपेनियन, हमने ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको इंस्टॉल नहीं करनी है, इसको आपने गौर से देखना है। इसको मैं स्किप करता हूँ। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है।
यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, मैं इसको नो करता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पे फिनिश हो जाएगा, ये आपका आईओ बिट इंस्टॉलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। इसको आप मिनिमाइज़ कर लें, यहाँ भी आप देख लें, ये इसका इंटरफेस है, इसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन से जो है आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं। हमारे पास ये देखें ना, ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ये। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। देखिए ये इसको जब आप सेलेक्ट नहीं करते तो ये डिसेबल नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं ये इनेबल हो जाता है। और ये जो प्रोग्राम है ये 1.53 MB का है टोटल साइज़ इसका। इसको मैं अनइंस्टॉल क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली रिमूव रेजिडुअल फाइल्स, क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट बिफोर अनइंस्टॉल। हमें जो है ना वो कोई जो है ना सेव पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये अभी इसको रिमूव कर रहा है, ये वही फाइल है जो कि इन्फेक्टेड फाइल है, या ये है कि कम्प्लीटली इंस्टॉल नहीं हुआ है, करप्ट फाइल है। इसको यहाँ पे ये स्क्रीन दोबारा आ गई, अभी यहाँ भी आप देख रहे हैं ये इसको अनइंस्टॉल कर रहा है, रिमूव कर रहा है। यहाँ पे इसको आप फिनिश कर दें और यहाँ पे इसका थोड़ा सा वेट कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है, हमने तो सिर्फ आपको सलूशन देना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये कंप्लीट हो गया, ये डन हो गया। अभी चूँकि ये परचेज़ हमने नहीं किए हैं, इसलिए ये लिमिटेड प्रोग्राम आपके अनइंस्टॉल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनइंस्टॉल वन प्रोग्राम एंड रिमूव्ड लेफ्ट वर्ड्स बिलो, ये 25 यूजलेस रजिस्ट्री एंट्रीज। इसकी जो कंप्यूटर की रजिस्ट्री है उसमें जो फाइलें पड़ी थी जो कि करप्ट फाइलें थी, वो भी इसने रिमूव कर दी है। अभी आप इसको क्लोज़ कर दें, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आपको अभी शो नहीं हो रहा। अभी आप इसको वेरीफाई कर लें कि कंट्रोल पैनल में से, ये कंट्रोल पैनल यहाँ से जाए, कंट्रोल पैनल में यहाँ से प्रोग्राम में, प्रोग्राम में से प्रोग्राम एंड फीचर्स में, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि वो आपको नज़र नहीं आ रहा, वो कम्प्लीटली उसकी जो करप्ट फाइलें है या जो इन्फेक्टेड फाइलें है वो सारी डिलीट कर दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।